इसका नाम भी बुजुर्गों की निस्बत से रखा गया है मेरे भाई, बुजुर्गों की निस्बत से रखा गया। इसके घर में रजत के कुंडे होते थे जब इन्हें पैदा नहीं हुआ था। पूछो इसकी नानी से, इसकी दादी से जाके, जो आज दरगाहों की मुखालिफत कर रहा, बगावत कर रहा, इसकी नानी से पूछो, अम्मा इन्हें कैसा आया? आराइट्स नहीं था, रजत के कुंडे करके मन्नत करे तो पैदा हुआ कोई कुंडा, इसका नाम इसलिए सादिक रखे बोले। बुजुर्गों का सच्चा है मेरे भाई, हम लोग बुजुर्गों की नवाजिशा हमारे खाना से, हमारे बचपन में हम आपको अच्छी तरह याद है, हाल हाल तक भी हम देखते थे, कई बच्चों के पैदा होने के बाद बाल काटते चले थे, सिद्धिपेट में तो अभी भी चल रहा होगा भाई। हाँ। बाल काटते रहते बच्चों के, कई गुने नहीं नहीं हजर, इन्हें सैलानी बाबा की मन्नत का है, इन्हें बंदा नवाज की मन्नत का है, इन्हें घुड़वाड़ी शरीफ की मन्नत का है, इन्हें फुला साहेब की मन्नत का है, दरगाह को जाके निकालना है। ओ, ओ, ओ। आप देखते नहीं देखते ये माहौल, बोलो आप देखे। मैं कोई दूसरी दुनिया के बात तो नहीं कर रहा, डिटेंशन कैंप के बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं लोग डिटेंशन कैंप नहीं मान लो, शरीफ लोग आए, याद रखो औलिया अल्लाह से बगावत नहीं, ये अल्लाह के दोस्त है मेरे भाई, अल्लाह ने इनको अपना महबूब बनाया है। देखो हर एक को आप हम मिलके ओहदेदार बनाते हैं, कोई एमएलए बना हम बनाए, कोई एमपी बनता है लोग उसको चुन के एमपी बनाते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है लोग उसका इंतखाब करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वोट डालते तब जाके वो चीफ मिनिस्टर बनता है, लोगों का इंतखाब होता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई सदरे जमहूरिया बनता है, सदरे जमहूरिया के लिए भी इंतखाब होता है, बाजाबता तौर पे उसके लिए भी इलेक्शन होता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करें, ये अलग बात है किसी का इलेक्शन मुल्की सतह पे होता है, किसी का रियासती सतह पे होता है, किसी का शहरी सतह पे होता है, किसी का इलाकाई सतह पर होता है, काउंसलर भी कोई बनता है तो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, उसको वोट डालते हैं तब जाके वो काउंसलर बनता है। प्यारे भाई हर एक को हम मुंतखब करते हैं, बंदे बंदों को चुनते हैं। अब जितने भी प्रोफेसर हैं डायरेक्ट नोटबुक लेके जाके कॉलेज में ठहर के शुरू हो जाते हैं, नहीं यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े चांसलर्स बैठते हैं और इनका इंतखाब करते हैं। प्रोफेसर भी किसी का इंतखाब होता है, लेक्चरर किसी का इंतखाब होता है, जितने भी दुनिया में होते नारे वो किसी ना किसी का इंतखाब है। मगर कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ये जो औलिया अल्लाह है ये किसी बंदे का इंतखाब नहीं है। पूरे खादरिया मिलके गौसे पाक को अब्दुल खादर जिलानी नहीं बनाए, पूरे कलमा पढ़ने वाले मिलके गौसे आजम को गौसे आजम नहीं बनाए, पूरे हिंदुस्तान वाले मिलके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज नहीं बनाए। अरे सुन लो, दुनिया का हर ओहदेदार मुंतखब होता है, उसको बंदे मुंतखब करते हैं, मगर विलायत वलीउल्लाह एक ऐसा मनसब और जाहिर करता, इनका इंतखाब इनका पैदा करने वाला रब करता अल्लाह, जिसको चाहता है चुन के अपने बंदों में से निकालता है और उनको विलायत के मनसब पे बिठा देता है। सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहता है उसको अल्लाह वली बनाता है। ये खुदा के मुंतखब बंदे हैं मेरे भाई, जिन्हें खुदा चुन लिया। सुभान अल्लाह, जरा सोचो वो ऐब वाले होंगे, सोचो भाई ऐब वाले होंगे नहीं, तुम अपनी मस्जिद का इमाम भी चुन के लाए तो देखते नहीं खिरत कैसी है, नमाज की पाबंदी कैसी है, फिर सैलरी हिसाब की है नहीं है, सारी चीजें तुम चुन के लेके आते। तुम अपनी मस्जिद का इमाम ऐबदार पसंद नहीं करते, तुम अपने बच्चों का टीचर ऐबदार पसंद नहीं करते, नाफिस को अपने बच्चों का टीचर बनाना गवारा नहीं करते। अगर बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी जा रहा है तो आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची की टीचर कामिल हो, लायक फायक हो, आला तालीम याफ्ता हो, हाईली क्वालिफाइड हो। अरे जरा सोचो, तुम अपने टीचर के लिए खैर मुअल्लिम खैर इल्म याफ्ता का इंतखाब नहीं करते, आप चाहते हैं कि
کیا, اخلاق والے کا انتخاب کیا. ارے جب خدا اپنا دوست اپنے بندوں کا رہبر منتخب کر رہا ہے, ان کو چن رہا ہے, تو کیا خدا کسی عیب والے کو چنے گا, کسی ناقص کو چنے گا, کسی ایسے ویسے کو چنے گا؟ نہیں نہیں, اس لیے تو رب نے ایسے کو ہندوستان کا سلطان بنایا. ایک لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر پیدا ہوئے, مگر سارے مل کر بھی میرے غریب نواز کے برابر نہیں ہوئے.